हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज है हमारा जो टेंस है उसका पार्ट फोर है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की पहचान क्या होती है? पहचान होती है ऐसी जो क्रिया है उसके अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, ये सब आते हैं, और जो समय है इसमें वो भी दिया हुआ होता है। यानी कि क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ आदि शब्दों के साथ समय भी हमको इसमें दिया जाएगा। और जो इसमें निश्चित समय होता है उसके लिए हम यूज करते हैं सिंस वर्ड का। जो हमारा निश्चित समय होता है यानी कि जो निश्चित समय होता है उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? सिंस। और जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है हमारा फोर। अनिश्चित के लिए फोर और निश्चित के लिए सिंस वर्ड का हम यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं हम इसके अफर्मेटिव की। जो इसका अफर्मेटिव है उसको किस प्रकार से बनाते हैं? ये जो आपको अफर्मेटिव इसका दिख रहा होगा शायद थोड़ा मीन्स ये वीक हो गया है, ये थोड़ा हल्का लिखा हुआ है। तो ये जो अफर्मेटिव है इसका ये, और इसका रूल क्या होगा? इसका रूल होगा सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। इसमें क्या क्या होगी? हैज या हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ing, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फोर, प्लस पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन। अब सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं हम और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? जो हमारा सिंगुलर होता है, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ लगाते हैं हम हैज़ बीन, और जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ लगाते हैं हम हैव बीन। जैसे कि हम अगर एक एग्जांपल के मदद से इसको देखें तो ये रहा हमारा एग्जांपल इसका कि राम दो घंटे से घूम रहा है। तो क्या होगा इसका? राम दो घंटे से घूम रहा है, क्या बनेगा इसका? राम हैज़ बीन। राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या लगे इसमें? हैज़ बीन, क्योंकि सिंगुलर है। और वॉकिंग, वॉक इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई और आईएनजी जुड़ गई तो वॉकिंग हो गया। फॉर टू आवर्स, और इसमें जो टू आवर्स है वो क्या है? हो गया ये फोर आया इसमें, क्योंकि फोर किसके लिए आता है? अनिश्चित समय के लिए। तो दो घंटे, पता नहीं वो कौन से दो घंटे से घूम रहा है, तो इसलिए कोई निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है, तो इसलिए फोर का यूज़ यहाँ पे हुआ, तो फोर टू आवर्स यहाँ पे आ गया। अब बात करते हैं हम अपने निगेटिव की। निगेटिव में क्या होता है? जो निगेटिव है, निगेटिव में सेम वही प्रोसीजर है जो हमने ऊपर यहाँ पे ये पढ़ा है, जो ये ऊपर पढ़ा है सेम वही प्रोसीजर है। बस क्या होगा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस इसमें जो बीन है उसके बीच में नोट आ जाएगा, यानी कि नहीं आएगा तो उसके बीच में नोट आ जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव नॉट बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। तो इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसीजर है, बस फ़र्क है किस चीज़ का कि हैज़ बीन या हैव बीन के बीच में क्या आएगा? नोट आएगा, इनके हैज़ नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन आएगा इसमें। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, वह चार बजे से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा इसका? ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस फोर ओ क्लॉक, ही हैज़ नॉट बीन स्टडिंग सिंस फोर ओ क्लॉक, इसका ये बन जाएगा, वह चार घंटे से नहीं पढ़ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हैज़ के और बीन के बीच में यहाँ पे ये नोट आया हुआ है, तो बस निगेटिव का यही रूल है। और जो इंट्रोगेटिव है हमारा उसमें वो और भी ज़्यादा सिंपल है, बस इसमें डब्ल्यू एच फैमिली को सबसे पहले लिखेंगे अगर है तो, वरना फिर हेल्पिंग वर्ब का सबसे पहले हम यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन। ये भी थोड़ा हल्का लिखा हुआ है, तो ये इसका सेम ही प्रोसीजर होगा। अगर हमको डब्ल्यू एच फैमिली गिवन है तो हम इसमें लिखेंगे डब्ल्यू एच फैमिली को, और अगर हमको ये गिवन नहीं है तो हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर हम सीधा क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। डब्ल्यू एच फैमिली में कौन कौन से वर्ड आते हैं वो सब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वैन वगैरह इसमें डब्ल्यू एच फैमिली में आते हैं। तो अगर वे नहीं हैं तो हैज़ या हैव नॉट बीन, हैज़ या हैव मीन्स हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले किन में लगेगी? जैसे कि क्या वह चार बजे से पढ़ रहा है, ऐसे टेंस में क्या होगा? हैज़ या हैव सबसे पहले आएगा। और अगर सेंटेंस हो हमारा वह चार बजे से कब पढ़ रहा है, या फिर वह चार बजे से कब पढ़, या फिर राम दो घंटे से क्यों घूम रहा है, तो इसमें क्यों की क्या आ जाएगी? इसमें जो क्यों का मीनिंग है वो आ जाएगा, यानी कि वाई। तो इसमें क्यों का मीनिंग क्या आएगा? वाई। वाई मीन्स क्या होता है? क्यों, और वाट मीन्स क्या। तो यही है आज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का होल चार्ट। इसमें आप एग्जांपल कुछ अपने पास से ले सकते हैं
और आई होप आपके सब चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अगर ये समझ में आई है तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं इसमें एक बात और बता दूं कि जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं उसका सेम यही प्रोसीजर रहेगा जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव है, बस उसमें क्या होगा सब्जेक्ट इसमें नेगेटिव में नॉट और ऐड हो जाएगा, बाकी सब सिंपल है। और आप इसको एक बार करके देखिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको आगे वाली जो हम आगे वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो सबसे पहले मिल पाएगी। धन्यवाद।